हमारा ब्रह्मांड विभिन्न रहस्यों से भरा है। ऐसे ही एक रहस्यमय वस्तु है ब्लैक होल। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत होता है कि कोई भी पदार्थ, यहां तक कि प्रकाश भी उसके गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं पाता है। क्योंकि ब्लैक होल प्रकाश को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, इसलिए हम इसे देख नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ घटनाओं के माध्यम से हम इसके मौजूदगी के बारे में जान सकते हैं। हम ब्लैक होल के आसपास के तारे की गतिविधियों को देखकर इसकी उपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। जब भी गैस और अन्य पदार्थ ब्लैक होल के करीब आते हैं तो ब्लैक होल इन्हें निगल जाते हैं। ये पदार्थ ब्लैक होल के चारों ओर एक डिस्क जैसे आकार में बहुत तेज गति से घूमते हैं, जिसे एक्रीशन डिस्क कहा जाता है। इस प्रोसेस में एक्सरे और अन्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उत्सर्जित होते हैं, जिन्हें रेडियो टेलीस्कोप द्वारा पृथ्वी से डिटेक्ट किया जा सकता है। ब्लैक होल विभिन्न आकार और विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। हालांकि साइंटिस्ट्स ने मुख्य रूप से दो प्रकार के ब्लैक होल के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है, सुपरमैसिव ब्लैक होल और स्टेलर मास ब्लैक होल। सुपरमैसिव ब्लैक होल का द्रव्यमान लाखों से लेकर 100 करोड़ से भी ज्यादा सूर्य के द्रव्यमान के बराबर हो सकते हैं। लगभग हर गैलेक्सी के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल है सेजिटेरियस ए स्टार। सुपरमैसिव ब्लैक होल का निर्माण कैसे हुआ, इस बारे में साइंटिस्ट्स अभी भी सुनिश्चित नहीं है। अधिकांश साइंटिस्ट्स के अनुसार गैलेक्सी के निर्माण की शुरुआत में अंतरिक्ष धूल और गैस के विशाल बादलों के ग्रेविटेशनल क्लब्स के वजह से सुपरमैसिव ब्लैक होल का निर्माण हुआ था। छोटे छोटे ब्लैक होल के फ्यूजन से भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल का निर्माण हो सकता है। समय के साथ साथ नजदीकी पदार्थ को निगल कर ये एक विशाल आकार ले लिया। स्टेलर मास ब्लैक होल एक विशाल तारे के अवशेष है। इसके द्रव्यमान 5 से लेकर 100 सूर्य के द्रव्यमान के बराबर हो सकते हैं। तारे मूल रूप से हाइड्रोजन परमाणुओं से बने होते हैं। तारे के केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया में बड़े मात्रा में ऊर्जा यानी रेडिएशन का उत्सर्जन होते हैं। यह ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण को धकेलती है और एक संतुलन बनाए रखता है। लेकिन एक विशाल तारे के लिए उसके केंद्र में अत्यधिक ताप और दबाव के प्रभाव से फ्यूजन के कारण अन्य हैवियर एलिमेंट्स का निर्माण होता है और आखिर में आयरन का निर्माण होता है। आयरन का निर्माण होने वाले न्यूक्लियर फ्यूजन से कोई ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। तारे के केंद्र में आयरन जमा होते हैं और रेडिएशन और गुरुत्वाकर्षण का संतुलन धीरे धीरे बिगड़ जाता है। तारे के केंद्र कोलैप्स हो जाता है और एक विशाल विस्फोट के माध्यम से तारे की बाहरी परत अंतरिक्ष में फैल जाती है, जिसे सुपरनोवा एक्सप्लोशन कहा जाता है। यदि अवशिष्ट केंद्र का द्रव्यमान 3 सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होते हैं तो यह गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ जाएगा और अनंत घनत्व के एक छोटे बिंदु में बदल जाएगा, जिसे ब्लैक होल कहा जाता है। किसी भी प्रकार के ब्लैक होल में इसका द्रव्यमान अनंत घनत्व के एक छोटे बिंदु में संचित होकर रहते हैं, जिसे सिंगुलरिटी कहा जाता है। यह एक काल्पनिक गोले से घिरा हुआ है, जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। इवेंट होराइजन के भीतर आने वाले किसी भी वस्तु, यहाँ तक कि प्रकाश भी गुरुत्वाकर्षण के कारण सिंगुलरिटी में मिल जाएगा। इवेंट होराइजन के भीतर से निकलने के लिए प्रकाश की गति से भी तेज भागना पड़ेगा, जो असंभव है। किसी भी वस्तु ब्लैक होल बन सकता है यदि इसे पर्याप्त रूप से संकुचित किया जाए, ताकि इसकी रेडियस इसकी श्वार्ज़शील्ड रेडियस के अंतर्गत आ जाए। इस कैलकुलेशन के अनुसार यदि सूर्य ब्लैक होल होते हैं तो उसका इवेंट होराइजन 6 किलोमीटर से भी कम चौड़ा होगा। यदि पृथ्वी ब्लैक होल होते हैं तो उसका इवेंट होराइजन 1 5 रुपी कॉइन से भी कम चौड़ा होगा। अन्य एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स की तरह ब्लैक होल भी स्थायी नहीं है। ब्लैक होल धीरे धीरे हॉकिंग रेडिएशन के जरिए बाष्पित हो जाएगा और छोटा होकर धीरे धीरे गायब हो जाएगा। छोटे ब्लैक होल बड़े ब्लैक होल की तुलना में अपेक्षाकृत तेजी से बाष्पित हो जाएगा, लेकिन यह प्रक्रिया बेहद धीमी है। उदाहरण के लिए, हमारे सूर्य के द्रव्यमान के एक ब्लैक होल को पूरी तरह से बाष्पित होने में लगभग 10,000 करोड़ साल लगेंगे। 10 अप्रैल 2019 को पहली बार ब्लैक होल की तस्वीर प्रकाशित की गई थी, जिसे इवेंट होराइजन टेलीस्कोप द्वारा लिया गया था। मेसियर 87 गैलेक्सी के केंद्र में स्थित इस सुपरमैसिव ब्लैक होल की तस्वीर पृथ्वी के विभिन्न इलाके में स्थित 8 रेडियो टेलीस्कोप के संयुक्त प्रयास से ली गई थी।